हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो JEE मेन में आए हुए मैथमेटिक्स मैट्राइसिस के टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्राइसिस, यह हम देख पा रहे हैं, ये एक मैट्राइसिस का एरे लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड, टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, नल मैट्राइसिस यानी ज़ीरो, रो मैट्राइसिस मींस ऐसा रो, ऐसा कॉलम मैट्राइसिस मींस कॉलम मैट्राइसिस, ये स्क्वायर मैट्राइसिस मतलब 2x2 या फिर 3x3, डायगोनल मैट्राइसिस मतलब ये स्केलर, जहाँ पे एक जगह पे ही सिर्फ 1 और बाकी जगह 0, यूनिट मैट्राइसिस मतलब हर जगह 1। अब क्या है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिए हुए हैं मैट्राइसिस से रिलेटेड, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आइडोपोटेन मैट्रिक्स, आइडोपोटेन मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, पीरियोडिक मैट्रिक्स ए के प्लस 1 ए, निपोलेंट मैट्रिक्स निपोटेंट मैट्रिक्स ए के इज इक्वल्स टू 0, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल्स टू आई, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस आई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ए डैश इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। अब आया एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो मैंने उधर दिखाया था अभी, ये एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इनवर्स मैट्रिक्स, ए इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, फिर सिंगुलर मैट्रिक्स मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स पॉलीनोमियल, ठीक है। कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और ये रहा होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन ट्रैवल और नॉन ट्रैवल के लिए। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करूँगी जैसे कि आप लोगों ने मुझे कहा था, इसलिए अब ये पहला क्वेश्चन 9 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ए लिखा हुआ है ये। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये जानते हैं ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो हम ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए टी इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा और फिर कॉस थीटा, ठीक है क्या। अब हम लिखेंगे अगर ए के पावर में माइनस एन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एन थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ एन थीटा, फिर यहाँ पे होगा साइन ऑफ एन थीटा और यहाँ पे होगा कॉस ऑफ एन थीटा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें ए ऑफ माइनस 50 बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 50 थीटा साइन ऑफ 50 थीटा माइनस साइन ऑफ 50 थीटा और फिर कॉस ऑफ 50 थीटा। अब हमने साइन में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे।
पहले तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें पाई बाय 12। तो हम इस पाई बाय 12 को यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 के पावर में -50 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, 1/2, -1/2, √3/2। तो इससे हमारा आंसर क्या आ रहा है, इससे हमारा ऑप्शन आ रहा है ये वाला बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिखा है, x² + 2x + 2। ये लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा है x + 1 का स्क्वायर + 1 = 0 लिखा हुआ है। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ x + 1 का स्क्वायर - i का स्क्वायर = 0 लिख सकती हूँ। इसमें x + 1 + i x + 1 - i = 0। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x - 1 + i। ठीक है, और उसके बाद -1 - i। ठीक, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालने को बोला है, α15 और β15, यही बोला है क्या। तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ α15 + β15। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, α² 7 × α + β² 7 × β। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी −28 - i1 + i + 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या होगा, −256। ठीक है, सॉल्व करने पे वैल्यू मेरी ये आएगी, तो ये मेरा ऑप्शन आएगा बी। ठीक, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कब आया हुआ है, 10th January 2019 Shift 2 में आया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है, α + β को हम ले सकते हैं λ-3। क्यों, क्योंकि -b/a होता है, तो हमने ये लिया क्योंकि क्यों होता है, -b/a होता है, ये हम जानते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, -c/a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 - λ। ठीक है, अब हम ये जानते हैं क्या कि हम इसे, एक मिनट ना, हम ये चीज़ जानते हैं कि हम अगर किसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ये -2α β, जहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू लिखूँगी λ-3 का स्क्वायर, -2 - λ। ये मैं लिखती हूँ तो मेरी वैल्यू यहाँ पे λ² + 9 - 6λ - 4 + 2λ आता है, जिसमें λ-2 का स्क्वायर + 1 होता है। तो लैम्डा को मैं लिख सकती हूँ 2। क्या लिख सकती हूँ, मैं लैम्डा को 2 लिख सकती हूँ इसको सॉल्व करने पे। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, तो हम इसमें मैट्राइसेस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, 256 = 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू हम अल्फ़ा और अल्फ़ा क्यू ले आएंगे। ठीक है, तो हमारा α4 का वैल्यू क्या होगा, 256/81 होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, +-4/3 होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे लिखेंगे -k(81) = α + α³। अब ये क्या दिया हुआ है मेरा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहा गया था क्यूब रूट्स चाहिए, तो मैंने इसलिए ये लिया।
अब मुझे ये पता है कि माइनस बी बाय ए होता है जिसको मैं इससे इक्वेट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये करने से मेरा आया 100/27, ठीक है। तो यहाँ पे मैं के की वैल्यू लिख सकती हूँ प्लस माइनस 300। तो मेरा यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, -300, तो आंसर आएगा बी, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऐसा दिया है, ठीक है। अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, -1 लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू 1+i, और n लिख सकती हूँ 1-i, जिसमें हम अल्फा को बोल सकते हैं 1-i होगा और b को हम मान लेते हैं 1-i होगा। अब अगर सपोज करते हैं हमको अल्फ़ा बाय बीटा निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब इसको मैं रैशनलाइज कर देती हूँ ऊपर नीचे, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाता है, 1+i² / 2 हो जाता है, और यहाँ पे 1+i² + 2i होता है ÷2। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी i आती है, अल्फ़ा बाय बीटा के पावर में n मैं लिखती हूँ, तो i के पावर में n आती ÷1। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू ऑफ n हमेशा 4 होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा मैट्राइसिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में मैट्राइसिस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल्स टू आएगा हमारा कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा माइनस नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है मेरा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब मैं सपोज करती हूँ कि मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी, तो ए स्क्वायर को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ए इंटू ए को दो बार लिखूँगी, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा, और यहाँ पे फिर से एक बार ए की वैल्यू को लिख दूँगी ये जो है। उसके बाद मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू आती है कॉस 2α माइनस साइन 2α साइन 2α कॉस 2α, ये मेरा आया है साइन 2α, ठीक है। सिमिलरली मैं a32 अगर करती हूँ, तो इससे मैं ये निकाल सकती हूँ क्या कि यहाँ पे मैं कॉस 32α माइनस साइन 32α साइन 32α कॉस 32α लिख सकती हूँ क्या। फिर अब इसकी वैल्यू मैं ये समझ पा रही हूँ क्या कि ऐसा होगा 0, 1, -1 और 0, ठीक है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/64, ठीक है। तो मेरा क्या ऑप्शन आ रहा है, मेरा ऑप्शन आ रहा है डी, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में, ठीक है। इसमें नॉन ट्राइबुनल सॉल्यूशन पूछ रहा है, ये नॉन ट्राइबुनल सॉल्यूशन है, ये कह रहा है जिसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी। तो हम इसे मैट्राइसिस फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो 1-C -C C -1 C C C -1 = 0 हम मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी नॉन ट्राइबुनल की कंडीशन होती है, जो हम मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ दिखाया था लास्ट में वहाँ से, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करने पे पूरा लिखती हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू इस तरीके से आ रही है, ठीक है, ÷0। मैट्राइसिस को हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है, अगर मैं इसे और सॉल्व करती हूँ तो मेरा क्या आता है, 2C³ + 3C² - 1 = 0, जिसमें से c की वैल्यू -1 और 1/2 आती, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो माइनस तो कभी नहीं होता, तो हमारी c की वैल्यू, हमारी ये लास्ट क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी c 1/2, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने मैट्राइसिस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों साथ में डिस्कस किया है, जो JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।